इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास एट्थ क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट, अंग्रेजी सब्जेक्ट है और इसका चैप्टर है तीसरा, जिसका नाम है द राजाज ड्रीम, राजा का स्वप्न। आप हमारे दूसरे YouTube चैनल द एजुकेशन स्टार पर इसका हिंदी अर्थ जान सकते हैं, हमने उस पर अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका प्रश्न उत्तर इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वन है, व्हाट कंप्लेंट डिड द कोर्टियर्स मेक टू द राजा कृष्णचंद्र। देखिए, दरबारीगण राजा कृष्णचंद्र के सामने कौन सा शिकायत बार बार करते थे। आंसर होगा गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन ए फूल वाज दियर कंप्लेंट। देखिए, राजा कृष्णचंद्र के सामने जो है दरबारीगण हमेशा एक ही शिकायत करते थे, गोपाल नाम का कोई व्यक्ति है जो हंसते हंसते आसानी से किसी को भी मूर्ख प्यार से बना देता है। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड कृष्णचंद्र डिसाइड टू अम्यूज हिमसेल्फ। मतलब कृष्णचंद्र किस प्रकार से ये डिसाइड किया कि वह खुद का मनोरंजन करेगा। तो उत्तर है इसका, बाय मेकिंग गोपाल ए फूल टू अम्यूज हिमसेल्फ। तो इसका उत्तर होगा कि गोपाल को मूर्ख बनाकर अपने आप को मनोरंजित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड राजा टेल गोपाल। राजा गोपाल को क्या कहता है। तो ए स्टोरी ऑफ हिज ड्रीम। राजा गोपाल को कहता है अपने सपना का एक कहानी जो उसने देखा था। अगला प्रश्न है, व्हाट वेयर द टू पुल्स फिल्ड विथ इन राजाज ड्रीम। देखिए, राजा के स्वप्न में जो दो पुल थे वह किस चीज़ से भरा हुआ था। आंसर होगा, वन पुल वाज फिल्ड विथ खीर, एक पुल जो है खीर से भरा हुआ था, द अदर विथ मक, और दूसरा कीचड़ से भरा हुआ था। अगला प्रश्न है, इन व्हिच पुल डिड गोपाल फेल। किस पुल में गोपाल गिरा। आंसर होगा, इन द पुल ऑफ रोटेन डंग, मतलब सरे हुए गोबर वाले पुल में गोपाल गिर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है, हुज ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर। किसका सपना बहुत पहले खत्म हुआ। आंसर होगा, राजाज ड्रीम, राजा का सपना पहले खत्म हुआ। अगला प्रश्न है, हु वाज लिकिंग होम इन गोपाल्स ड्रीम। गोपाल के स्वप्न में कौन किसे चाट रहा था। उत्तर होगा, राजा एंड गोपाल वेयर लिकिंग इच अदर, राजा और गोपाल एक दूसरे को चाट रहे थे, मतलब राजा गोपाल को और गोपाल राजा को चाट रहे थे। अगला है, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। प्रश्न है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही के सामने ट्रू और गलत के सामने फॉल्स लगाइए। क्वेश्चन है, गोपाल वाज ए ग्रेटफुल, गोपाल एक महान मूर्ख था। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गोपाल महान मूर्ख नहीं था। दूसरा प्रश्न है, राजा एक्चुअली हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, राजा सच में वास्तविक में एक स्ट्रेंज ड्रीम देखा था। ये भी हो जाएगा फॉल्स, गलत। अगला है, राजा फेल इन द पूल फिल्ड विथ मिल्क, राजा जिस पूल में गिरा था वह दूध से भरा हुआ था। तो ट्रू होगा, दूध से, TRUE, दूध से भरा हुआ खीर, खीर बना हुआ था। द कोर्टियर्स मॉक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम। देखिए, राजा के स्वप्न को सुनकर जो दरबारी था वह गोपाल पर हंसा, ये भी बात होगा ट्रू, ठीक है, ये भी ट्रू होगा। अगला है, राजा पनिश्ड द कोर्टियर्स फॉर लाफिंग एट हिम, राजा जो है उसके ऊपर हंसने पर दरबारीगण को सजा दिया। तो ये गलत होगा, फॉल्स, सजा किसी को नहीं दिया। अगला प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षिप्त में उत्तर दें। चलिए संक्षिप्त में उत्तर देते हैं। क्वेश्चन है, देख लेते हैं, व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग, प्यार से गोपाल क्या करता था। उत्तर होगा, मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल, मतलब सभी को प्यार से क्या करता था, मूर्ख बना देता था। What did the king think on hearing the court's complaint? मतलब दरबारियों का शिकायत सुन करके राजा क्या करते थे। उत्तर होगा, to amuse himself by betting गोपाल। तो राजा जो है यह सोचा था कि गोपाल से बाजी लगा करके, बैटिंग लगा करके क्या करेंगे, अपना मनोरंजन करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द पूल लाइक इन विच द किंग फेल लुक लाइक। देखिए, मतलब जिस पूल में राजा गिरे थे वह कैसा पूल था। तो पूल ऑफ खीर, वह खीर से भरा हुआ पूल था। अगला प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 70 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 70 शब्दों में दें, लगभग में 70 शब्द। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द पीपुल हु ट्राइड टू गेट दियर बैक्स एट गोपाल। जो लोग गोपाल से बदला लेना चाहता था उसके साथ क्या होता था। उत्तर होगा, द पीपुल हु ट्राई टू गेट दियर बैक्स, वे लोग जो गोपाल से बदला लेना चाहते थे, एट गोपाल वेर सेल्फ मेड फूल्स बाय द जेस्टर गोपाल। तो वह गोपाल के द्वारा, मजाकिया गोपाल के द्वारा खुद ही मजाक बन जाता था, मूर्ख बन जाता था।
देयर वॉज नो वन इन द कोर्ट हु डिड नॉट ट्राई टू मेक गोपाल ए फूल। देखिए, दरबार में कोई ऐसा नहीं था जो गोपाल को मूर्ख साबित कर सकता था, बट इन द एंड दे लुक्ड लाइक अटर इडियट्स। और सॉरी, उल्टा बोल दीजिए, दरबार में कोई ऐसा नहीं बचा था जो गोपाल को मूर्ख बनाने की कोशिश किया, लेकिन अंत में वह खुद इडियट्स मतलब मूर्ख बन जाता था दरबारी। अगला है प्रश्न, व्हाट वाज द किंग्स ड्रीम डिस्क्राइब। किंग्स का ड्रीम क्या था, इसको डिस्क्राइब करें, विस्तार से बताएं। देखिए, डिस्क्राइब करते हैं, आंसर होगा किंग सेड दैट लास्ट नाइट ही हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। किंग राजा क्या कहता है कि पिछली रात मतलब अंतिम रात को मैं एक सपना देखा, अजीब सा। कौन सा? इन हिज ड्रीम गोपाल एंड ही वेयर गोइंग फॉर ए वॉक। उस सपना में गोपाल और राजा एक जगह सैर करने गए, घूमने गए। सडनली अचानक दे रीच्ड टू ए प्लेस हैविंग टू पुल्स। अचानक वे दोनों एक जगह पहुंचे जहां पर दो पुल्स थे। पुल मतलब पता है आपको, वन पुल वाज फिल्ड विथ खीर एंड द अदर विथ स्मेली डंग। एक पुल उसमें जो था खीर से भरा हुआ था और दूसरा पुल जो था स्मेली मतलब गंध करने वाला गोबर से। ही हिमसेल्फ फिल इन द खीर मेड आउट ऑफ रिच मिल्क। और राजा जो है खुद उस पुल में गिरे जिसमें खीर बना हुआ था, खीर से भरा हुआ था, वो भी बहुत अच्छे दूध से। एंड गोपाल फेल इनटू द पूल ऑफ मक। और गोपाल जो है सरे हुए गोबर वाले पुल में गिरा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड गोपाल से ऑन हियरिंग द किंग्स ड्रीम। राजा के सपने को सुनकर गोपाल क्या कहता है। अब इसको भी विस्तार से हम जानते हैं। देखिए, इसका उत्तर होगा गोपाल कामली सैड द ही ऑल्सो हैड सीन द सेम ड्रीम। गोपाल शांतिपूर्वक कहता है कि हम भी जो राजा सपना देखा, हम भी वही सपना सेम ड्रीम देखे। द किंग्स ड्रीम हैड एंडेड अर्लियर। राजा का सपना पहले ख़त्म हो गया। विल हिज ड्रीम कंटिन्यूड ए बिट लॉन्गर। और गोपाल का सपना थोड़ा आगे और चला। ठीक है, फर्दर इन हिज ड्रीम ही सो दैट दे बोथ केम आउट ऑफ दियर पुल्स। आगे गोपाल देखा कि हम दोनों राजा और गोपाल पुल से बाहर आया। देन बोथ ऑफ देम लिक्ड इच अदर एज टू क्लीन इच अदर। और बाद में गोपाल देखा कि वे एक दूसरे को साफ करने के लिए दूसरे को चाट रहे थे। मतलब गोपाल राजा को चाट रहा था खीर वाला, और राजा गोपाल को चाट रहा था गोबर। एक स्केच द कैरेक्टर ऑफ गोपाल द जेस्टर। मतलब गोपाल मजकिया रूप में जो गोपाल का जो स्केच है वो तैयार कीजिए। अब यहाँ तैयार करने का मतलब आप चित्र नहीं बनाइए, उसका गुण क्या था वो गुण को लिखिए कि कैसा रहा होगा गोपाल उस अनुसार से। देखिए, द जेस्टर मजकिया गोपाल वाज एन इंटेलिजेंट मैन। मजकिया गोपाल जो था एक इंटेलिजेंट तेज आदमी था, क्योंकि इतना नॉलेज तेज आदमी के पास ही रहता है। ही वॉज प्लेज टू क्रैक जोक ऑन अदर्स। वह दूसरों के ऊपर मजाक करने के लिए मतलब प्रसन्न रहता था और हंसते हुए जवाब देता था। ही लाइक्ड वेरी मच टू गेट ए पर्सन्स बैक। देखिए, वह किसी भी व्यक्ति से बदला लेने के लिए एकदम उसे बड़ा अच्छा लगता था। बट व्हेन द अदर कोर्टीज ट्राइड टू द सेम दे वुड फाइंड देमसेल्व्स गोपाल्स हैंड। और जब कोई दरबारीगण गोपाल से बदला लेना चाहता था तो वह जो है गोपाल के हाथ फंस जाता था, मतलब खुद का मजाक बना लेता था। बिकम वेरी इडियट्स इवन द किंग कुड नॉट गेट हिज बैक। गोपाल वाज ए पर्सन ऑफ ग्रेट विट। और राजा भी जब बदला लेना चाहा तो राजा खुद अपना इंसल्ट करवा लिया। गोपाल एक बुद्धिमान, महान बुद्धिमान था। कौन था? महान बुद्धिमान। देखिए, अगला प्रश्न है, कैन यू गैस द किंग्स फीलिंग एट गोपाल्स रिप्लाई। मतलब गोपाल के जवाब देने के बाद राजा का फीलिंग्स क्या हो सकता है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ समवन रिप्लाइड यू इन दैट मैनर। आप क्या करेंगे जब आपके साथ कोई वैसा व्यवहार करेगा, वैसा जवाब देगा जैसे गोपाल ने राजा को दिया। देखिए, इसका उत्तर, द किंग माइट हैव बीन ग्रेटली सरप्राइज्ड एट गोपाल्स रिप्लाई। देखिए, राजा जो है गोपाल के जवाब से सरप्राइज, मतलब कि बिना जाने वैसा उपहार देना, यह उपहार ही हुआ क्योंकि गोपाल जो जवाब दिया राजा को पता नहीं था, उस जवाब से राजा सरप्राइज्ड हो गए। ही वांटेड टू मेक गोपाल ए फूल। राजा चाहता था गोपाल को मूर्ख बनाना, बट इंस्टीट गोपाल हैड मेड हिम ए फूल। परिणाम ये हुआ कि गोपाल राजा को ही मूर्ख बना दिया। एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द कोर्टीज, और सभी दरबारीगण के सामने राजा को मूर्ख बना दिया। कौन? गोपाल। द
किंग माइट हैव गोन फायर्ड विथ एंगर, मतलब राजा को गुस्से से आग बबूला हो जाना चाहिए था। एंड ही कुड हैव बैडली पनिश गोपाल, और वह राजा था तो राजा पता है क्या कर सकते हैं, राजा गोपाल को बहुत खतरनाक पनिश कर सकता था, मतलब सजा दे सकता था। बट एज ही वॉज दैट डे इन गुड मूड, परंतु राजा उस दिन बहुत अच्छे मूड में थे, ठीक है। एंड ही कुड हैव इफ समवन वुड हैव रिप्लाइड टू मी दैट मैनर्स, अगर कोई भी मुझे उस प्रकार से जैसे गोपाल ने जवाब दिया मुझे जवाब देता, आई वुड बिकम एंग्री ऑन द पर्सन, मैं उस व्यक्ति पर गुस्सा हो जाता। आई वुड कट माई रिलेशंस विथ हिम, मैं उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ लेता। आई वुड स्टॉप टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात करना बंद कर देता। आप इसमें से क्या करते कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्क्रीनशॉट आप वीडियो को रोक करके कर लिया कीजिए, ठीक है। देखिए तो इस वीडियो में हमने आपको द राजाज ड्रीम, राजा के स्वप्न, ये जो चैप्टर है इसका सारा प्रश्न उत्तर बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।